रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े अधिकारियों ने हाल ही में घोषणा की थी कि 14 जनवरी 2024 को मंदिर में मूर्ति की स्थापना होगी। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद का निर्माण अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ, क्यों है अधर में अटका, तो जानिए क्या है बड़ी वजह। ये मस्जिद अयोध्या शहर से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम के इलाके में बननी है। मस्जिद के काम में हो रही देरी को लेकर खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पैसों की कमी के चलते मस्जिद का नक्शा अप्रूव नहीं हो पा रहा है। नक्शे की मंजूरी के लिए टैक्स के तौर पर 10 से 12 करोड़ रुपए जमा करने हैं, जिसकी अभी तक व्यवस्था नहीं हो सकी है और इसलिए मस्जिद का काम लेट होता जा रहा है। खबर यह भी है कि अब स्थिति को देखते हुए मुस्लिम पक्ष के लोग योगी सरकार से एक बड़ी अपील करने वाले हैं। अब ये जानिए इतना टैक्स क्यों देना पड़ रहा है बोर्ड। मस्जिद के निर्माण से जुड़े काम के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन कमेटी बनाई है। इस कमेटी को कथित तौर पर नक्शे की मंजूरी के लिए लेबर ऊपर और विकास कर के तौर पर लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए अयोध्या विकास प्राधिकरण को देने हैं। एडीए की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विकास टैक्स परियोजना की कुल लागत का 2 से 3% होता है और लेबर सेस 1%। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के मुताबिक 3 चरणों वाले मस्जिद प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से 10 से 12 करोड़ रुपए टैक्स बना है। और खबर है कि क्राउड फंडिंग के जरिए मस्जिद निर्माण के लिए अब तक लगभग 50 लाख रुपए ही इकट्ठा हुए हैं और इसलिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन यूपी सरकार से विकास टैक्स में छूट के लिए अनुरोध करने की योजना तैयार कर रही है। क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी जहां 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद थी और जिसे कार सेवकों द्वारा गिराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले पर सरकार से बाबरी मस्जिद के बदले मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में प्रमुख और उपयुक्त 5 एकड़ भूखंड आवंटित करने को भी कहा था। जानकारी के मुताबिक बोर्ड नई बनने वाली मस्जिद को 16वीं शताब्दी की विवादित संरचना से नहीं जोड़ना चाहता है, जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। इसलिए मस्जिद का नाम किसी मुगल सम्राट के नाम पर नहीं रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद और परिसर का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। इसमें एक मस्जिद, अस्पताल, सामुदायिक रसोई और म्यूजियम शामिल होगा। अधिकतम क्षेत्र अस्पताल को आवंटित किया जाएगा और उस पूरे अस्पताल को 2 चरणों में स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 100 बेड और जोड़े जाएंगे। अस्पताल कैंसर केयर, प्रत्यारोपण, रीढ़, हृदय, रोबोटिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, आपातकालीन और अन्य में सर्वोत्तम उपचार की व्यवस्था होगी और मस्जिद में एक समय में 2000 नमाजियों को समायोजित करने की क्षमता के साथ आकार में गोलाकार होगी। ये बाबरी मस्जिद से 4 गुना बड़ी होगी। अस्पताल परिषद मस्जिद के आकार का 6 गुना होगा। मस्जिद 3500 वर्ग मीटर भूमि पर बनाई जाएगी, जबकि अस्पताल और अन्य सुविधाएं 24,150 वर्ग मीटर के क्षेत्र में होंगी। मस्जिद में बिजली के सभी मांगे सौर पैनलों की मदद से पूरी की जाएगी और बिजली कनेक्शन